सुप्रभातम बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। आ जाइए बच्चों, बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल। चलिए आज क्या क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले बात करते हैं तो पहले हम पढ़ेंगे मिडवल हिस्ट्री का आज लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट। उसके प्रश्न पढ़ेंगे 20, उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे साइंस के प्रश्नों को, और फिर पढ़ेंगे हम विश्व के प्रथम कौन कौन है। चलिए बच्चों तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, बिल्कुल आपके सामने है पहला प्रश्न, आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए फटाक से। यस, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। आ जाइए बच्चों, यस, पहला प्रश्न आपके सामने है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब सारे प्रश्न बना लिए इसलिए लंबी थोड़ी बात नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हर प्रश्न एक से हेड से प्रश्न जुड़े हुए। प्रश्न का आंसर दीजिए, यस, बिल्कुल लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, कमेंट करते जाइए और आंसर देते जाइए, और आंसर सही देना है, हाँ गलत नहीं। अच्छा, सभी जनों को मेरी तरफ से बच्चों भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा याद दिलाया डेविड पीटर, थैंक यू बच्चे। हाँ बच्चों, 1680 में तो उनकी डेथ हुई है। यस, राज्याभिषेक जो किया था उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ के अंदर किया था, पुरंदर की संधि के बाद, जब औरंगजेब ने फिर बाद में उन्हें कैद कर दिया बच्चों, और फिर बाद में वापिस वो आए, और 1674 में 1674 के अंदर इन्होंने रायगढ़ के अंदर गंगाधर भट्ट काशी का एक पंडित बुलाया गया और वहां पर उन्हें राज्याभिषेक किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न बहुत ज्यादा आता है बच्चों, याद रखना 1674, यस, राज्याभिषेक किया गया उनका। यस, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है देखो, और आंसर दो फटाफट। यस, क्या बात है, आज तो धड़ाधड़ बच्चे जो धुआं मचाते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। यूरोपियन शक्ति वो कौन सी थी, ये यूरोपियन पावर है जिनसे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे बच्चों। बहुत बढ़िया, शाबाश, आज तो बच्चे जोश में लग रहे हैं, धड़ाधड़ उड़ाते जा रहे हैं ना, लाइक भी करते जा रहे हैं, धड़ाधड़ आंसर भी फटाफट देते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बच्चों। वो लोग थे फ्रेंच लोग थे जिन्होंने या जिनसे शिवाजी ने तोपों और गोलों बारूद प्राप्त किया करते थे, क्योंकि अंग्रेजों के जो वहां उस समय जो है अंग्रेजों का तो उनके अगेंस्ट होना था नहीं, शिवाजी का समय, शिवाजी जो किसके अगेंस्ट में, यहाँ शिवाजी और औरंगजेब की टक्कर चल रही, मुगल सम्राट, हाँ याद रखना, तो शिवाजी और औरंगजेब के पीरियड की बात, और फिर इसलिए अंग्रेज तो अभी उनके विरोध में ही नहीं है तो यार, लेकिन इंडिया में तो आ रखे हैं। पहले कौन आए थे इनमें से, पहले पुर्तगीज आए बच्चों, याद रखना, पुर्तगीज के बच्चों बाद में कौन आए तो याद रखना, हॉलैंड के ये डच लोग आए, डचों के बाद आए डेनिस लोग आए, डचों के बाद, हाँ इंग्लैंड वालों लोग बोले, इंग्लैंड इंग्लिश मैन यानी ब्रिटिशर्स, फिर आए डेनिस और फिर बाद में आए फ्रांसीसी बच्चों, सबसे लास्ट में कौन सा आए, फ्रांसीसी या डेनिस, ठीक है ना, याद रखोगे, पुर्तगाली, डच लोग हॉलैंड के, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी, ठीक है, याद रखोगे, हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने, हाँ PDEDF, बहुत अच्छा PDEDF, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने ना, याद रखने की कैपेसिटी है ना, कैसे कैसे आपकी कलाकारियां, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बच्चों। इनके जाने का क्रम बता दीजिए, अच्छा इनके जाने का क्रम, बहुत बढ़िया, अच्छा चलो पिछले प्रश्न को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेता, चलो पहले कौन आए, पुर्तगाली, उसके बाद कौन सा आए, डच, उनके बाद कौन सा आए, अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद में कौन सा आए, डेनिस, और डेनिस के बाद में कौन आए तो फ्रांसीसी। बच्चों इनके जाने का क्रम कहा जाए तो डचों का तो कोई रहा ही नहीं लंबा, क्योंकि वेडरा की जब लड़ाई हुई 1859 में, उसके अंदर जो है अंग्रेजों ने इन्हें हरा दिया था, वैसे ही कमजोर पड़ गए। डेनिस कब का इनका भी कोई जो है पता नहीं, क्योंकि यह तो बहुत ही कम एक्सपीटेड, श्रीरामपुर के अंदर वो एरिया था, बैथुन वाला एरिया। अब इनमें की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन जो है गए ये हम कह सकते हैं, तो देखो इनके बारे में सुनना,
सबसे पहले इनके अंदर जाने वालों में जो है हम अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजों याद रखना, हाँ इंपोर्टेंट प्रश्न बच्चों, यस बहुत अच्छा प्रश्न पूछा किसी लड़के ने, बढ़िया किया, बहुत अच्छा। इसमें से सबसे पहले कौन गए भारत से, है ना, तो यह अंग्रेज लोग गए 1947 में। यह फ्रांसीसी जो है यहां से उन्होंने पांडिचेरी और माहे यानम वगैरह उनके कंट्रोल में जो थे चंदन नगर वगैरह वो उन्होंने जो है 1954 के अंदर इन्होंने हैंड ओवर किया बच्चों, ठीक है। हाँ अब ये बात कर रहे हैं यहाँ तो यह कब गए 1961 के अंदर गोवा के ऊपर अटैक करके उनको भगाया गया बाद। तो सबसे पहले इनमें से कौन गए हैं, इनमें से देखा जाए तो अंग्रेज गए, फिर कौन गए, फ्रांसीसी गए, सबसे लास्ट में कौन गए तो पुर्तगाली गए, ठीक है बच्चों, ओके आगे आगे बढ़िए। यस अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है, यस कौन सी शिवाजी की राजधानी थी, है ना, शायद गलती से बोला तो नहीं मैंने कहीं, है ना, हाँ शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी बच्चों रायगढ़ के अंदर थी, यस रायगढ़, रायगढ़ महाराष्ट्र में कोंकण वाले एरिया में पड़ता है रायगढ़, याद रखना ना रायगढ़, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, ओके यहाँ बी इज द करेक्ट आंसर, सबका बिल्कुल सबका सही है, सबका सही है, यस आगे बढ़िए। खालसा दल, खालसा या खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन है, बहुत शानदार प्रश्न बच्चों, वेरी गुड प्रश्न, बहुत गजब, यस अब यहाँ पर लंबी चौड़ी बात है, क्या क्या है उसके बारे में पूरी बात करनी पड़ेगी, यस हाँ, दल खालसा की स्थापना करने वाले कौन है जल्दी बताइए, बहुत अच्छा, अंतिम गुरु, दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, दल खालसा कब बनाया बच्चों उन्होंने, तो 1699 की बात है, 1699 में उन्होंने दल खालसा की स्थापना की, और गुरु गोविंद सिंह जी की 1708 में, यानी कि औरंगजेब के मरने के एक साल बाद 1708 में, कहां पर, नांदेड़, नांदेड़ कहां पड़ता है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर, वहां उनकी फिर उनकी हत्या की गई, एक पठान ने उनकी उनको जो है उनकी हत्या की थी, याद रखना ये बात को, यस। और उसके बाद में आया बंदा बहादुर, बंदा बहादुर जो है इनकी जो है सैन्य शक्ति को उन्होंने आगे बढ़ाया, इनका जो पक्का भक्त था वह, और फिर जो है उनका सिखों का उन्होंने नेतृत्व किया, बंदा बहादुर नाम याद रखना, यस आगे बढ़िए। अब यहाँ पर कुछ और भी बात आएगी लेकिन पहले पूरा पढ़ लो फिर मैं बताऊंगा, गुरु नानक देव, यस बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है, तो गुरु नानक देव का जन्म स्थान बच्चों वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, और जगह है वह, जिस जगह हुआ था वह है तलवंडी, जिसे ननकाना भी बोलते हैं, ननकाना नानक जी का स्थान, जन्म स्थान कहाँ है, तलवंडी, यस डी इज द करेक्ट आंसर, ओके ननकाना भी बोलते बच्चों इसी को, ना नेक्स्ट आगे बढ़ते, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा, सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह, इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी, यस सच्चा बादशाह, बिल्कुल किसी बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं, किसी का रॉन्ग भी जा रहे हैं, कोई बात नहीं सीखते जा रहे हैं बच्चों, हाँ तो सच्चा बादशाह कहने वाले इसमें कौन है, तो वो है बच्चों गुरु गोविंद सिंह खुद ने, यस गुरु गोविंद सिंह इज द करेक्ट आंसर, है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखो, सिखों के अंतिम गुरु इनमें से कौन से थे, तो सिखों के अंतिम गुरु कौन है, सिखों के अंतिम गुरु, प्रश्न तो आंसर बता दिया था मैंने बच्चों, अब देखो यहां फिर भी एक बात कहता हूं, क्या याद रखोगे, नानक, गुरु नानक ना, अंगद, ये अंगद, अमर, अमर और राम और अर्जुन, देखना इधर, यस नानक अंगद अमर राम और अर्जुन, यानी कि गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास और अर्जुन देव, ये कितने हो गए पहले, तीन और दो पांच, तो ये हो गए, ठीक है, फिर कौन है, हर राय, हर गोविंद, हर राय, हर गोविंद, हर किशन, और तीन बार देखो, हर राय, हर गोविंद, हर किशन और इसके अलावा कौन है,
तेग बहादुर, ये तेग बहादुर, और यह गुरु गोविंद सिंह, ये गोविंद सिंह। एक दो तीन चार और पांच ये हो गए, ध्यान से समझना ये, या क्योंकि बार बार आ रहा है। क्या क्या लिखा देखो, नानक सबसे पहले हैं, तो नाम ऐसे याद कर रहा है, नानक अंगद अमर राम और अर्जुन देव, ठीक है ना, नानक अंगद अमर राम और अर्जुन देव, ठीक। उसके बाद में क्या है, हर राय, हर गोविंद, हर किशन और तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक। हर राय, हर गोविंद, हर किशन, तेग बहादुर और गोविंद सिंह, ठीक है, याद रखोगे बात को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे लास्ट कौन है बच्चों, गुरु गोविंद सिंह जी। कौन से नंबर के हैं, दसवें नंबर के हैं। आंसर क्या गया, कहां गया गुरु गोविंद सिंह जी का, ये सी द करेक्ट आंसर, ओके यस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों देखो क्या पूछा गया है। हाँ यस, शानदार। देखो अकाल तख्त, अकाल तख्त की स्थापना किसने की, अकाल तख्त की स्थापना किसने की, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यस आंसर देना है और लाइक भी करना है फटाक से, यस। अकाल तख्त की स्थापना करने वाले बच्चों गुरु, अपने गुरु हर गोविंद, गुरु हर गोविंद है, याद रखना। कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर, तेग बहादुर नहीं। आगे बढ़ते हैं, यस आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है देखो, एक टॉपिक लूंगा मैं, सब गुरु और उनके नाम, उनके काम, ठीक है, एक टॉपिक लूंगा मैं, बेफिक्र आप चिंता ना करें ना, पहले ही प्रश्न कर लीजिए। आगे बहुत बढ़िया प्रश्न बच्चों, और इस बार आपके एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ बैठा है ना, वो करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा उसका पूछा गया है, इसलिए प्रश्न आने लायक है बच्चों। क्या कहा इसमें, श्रीमद भगवद गीता, गीता जो है उसका ट्रांसलेट किया गया पर्सियन भाषा में, पर्सियन, यस। तो यानी यह वक्त करने वाला, फारसी के अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था बच्चों, बहुत बड़ा इंपोर्टेंट नाम है उसका, वह अकबर से भी महान होता, लेकिन वह उसका रूलिंग पीरियड आया ही नहीं उसका। और वो व्यक्ति है जो बड़ा लिबरल था, लिबरल और हिंदू धर्म के अंदर, और था तो मुस्लिम और हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, इसीलिए तो ऐसा उसने काम किया और कई किताबें लिखी। उस व्यक्ति का नाम है बच्चों शाहजहां का वो बेटा था, बड़ा शाहजहां का बेटा। क्या नाम है यहाँ, शाहजहां का बेटा इसमें से कौन है, देख सक पा रहे हैं, दारा शिकोह, डी इज द करेक्ट, उसे लघु अकबर भी बोलते बच्चों, ठीक, डी, यस डी इज द राइट आंसर, दारा शिकोह, यस। उसी का बेटा था सुलेमान शिकोह, जो फिर यहां उत्तराखंड के अंदर भाग करके आ गया था, क्योंकि औरंगजेब उसके पीछे पड़ा था, और यहाँ राजा थे फतेह सिंह, उनके दरबार में के प्रतिपति अपने, हाँ यानी उत्तराखंड भाग के आया था यहाँ, और यहाँ शरण ली थी उसने। आगे बढ़ते, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ, बीवी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया दुर्रानी है ना, राबिया दुर्रानी की याद में बनाया गया बच्चों, उसका बेटा था आजम, उसने बनाया था, बताया था मैंने आपको किस जगह पड़ता है प्रॉपर, तो औरंगाबाद में, औरंगजेब की बीवी का औरंगाबाद में मकबरा, डी अपने बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, यस। आगे बढ़िए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने, शानदार प्रश्न, ठीक है बिल्कुल। अब औरंगजेब की मौत कहां हुई है, वही जहां उसने जो शहर बसाया है, कहां, औरंगाबाद, औरंगाबाद में हुई है, कब उसकी, हाँ औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद, याद रखना, जहाँ एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला बिल्कुल निकट निकट है, बीबी का मकबरा सब निकट निकट पड़ रहा ना, मैंने बताया था आपको 2003 में मैं गया था वहां देखने ना। औरंगाबाद में उसकी डेथ कब हुई, 1707 में, 1707, यस 1707, याद रहा, 1707 में नासूर बन गया बच्चों दक्षिण की ओर उसका जाना, और वहीं उसकी कब्र बन गई बच्चों बाद में, देखो औरंगाबाद में ही, खुल्दाबाद पड़ता है प्रॉपर जगह, खुल्दाबाद में उसकी जो है कब्र बनाई गई है, यानी उसका मकबरा है। देखो आगे प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ, उस समय भारत के अंदर मुगल बादशाह कौन था, बहुत बड़ी बात है ये बच्चों, शानदार प्रश्न ये, यस हाँ करते रहो गलतियां, यस गलतियां भी जरूरी है जीवन में। 1600 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी की, वैसे 1599 में हुई बच्चों, कंपनी की स्थापना हुई है 1599 में,
हाँ, और 1600 के अंदर वह भारत के अंदर जो है व्यापार के लिए उधर से निकल पड़े। अब बात करें यानी 1600 की आते तो हम बात करते हैं ना 1556 पानीपत का, पानीपत का दूसरा युद्ध, एमू को हरा के अकबर आ गया। और यहां से लगाकर 1605 तक ये अकबर का काल कार्यकाल है बच्चों, यानी उसका जो है यह रूलिंग पीरियड है ये। तो उस समय बीच में ये तो यही आएगा ना, बीच में नहीं आएगा, तो अकबर का रूलिंग पीरियड है, एलिजाबेथ वहां की महारानी है ना। हाँ, अब आंसर क्या जाएगा फिर? अकबर, यस, याद रखना, यस अकबर। सचिन कुमार, यू आर द न्यू स्टूडेंट, ओके, वेरी गुड बच्चे, मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न। तो लाइक जरूर करना बच्चों ना, और चार जनों से एक्स्ट्रा लाइक करवाना है तुम्हें आज। यस, आगे। जहांगीर की कब्र कहां बनाई गई थी? अब सारी कब्रों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? यस, क्या रॉन्ग लग रहा है भाई शिवम सिंह? यस, रॉन्ग क्या लग रहा है? अरे बताओ तो सही यार, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, क्या लिखा? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, जहांगीर राजा था। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, अच्छी क्या 1608 की बात, 1608 में। अरे वो उस समय यहाँ भारत में आया सर हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस तो आया ना, वो 1608 के अंदर आया, सही कह रहे हैं, और 1608 के अंदर आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले बनी है ना, प्रश्न को क्यों नहीं समझा आपने? ऐसा आता कि पहला जो है कौन सा अंग्रेजों का जो है व्यक्ति था जो भारत के अंदर आया, उस समय यहाँ बादशाह कौन था? तो बिल्कुल सही है, 1608 के अंदर अगर पहुंच रहा है कौन, कैप्टन हॉकिंस, और फिर आता है सर टॉमस रो, तो उस समय तो जहांगीर ही है, बात सही है बिल्कुल। लेकिन स्थापना के समय कहा गया, ये प्रश्न को समझना आपको, जहांगीर की कब्र कहां बनाएगी बच्चों? हाँ, तो जहांगीर की कब्र कहां है? देखो प्रश्नों को समझना बच्चों ना, बिल्कुल समझे, नहीं समझते तो गलती हो जाती है, चिंता ना करो, हो जाती है। लेकिन कम स्थापना के समय अकबर ही था ना, यस। अब यह क्या है, बाबर, पहले देखो बाबर, बाबर के बाद में लिख दिया हमने अकबर, हुमायूं कर दो, इसका बेटा हुमायूं, क्या अकबर, बाबर की कब्र कहां है याद रखोगे तो इसका जो मकबरा बना है ना बच्चों वह कहां है, तो काबुल में, याद रखना काबुल, काबुल कहां, अफगानिस्तान। दूसरा है हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहां है देखो, तो हुमायूं का मकबरा है ना वह दिल्ली में पड़ता है, याद रखना दिल्ली में। फिर कौन आता है, अकबर, अकबर, अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का जो मकबरा है बच्चों वह पड़ता है सिकंदरा में। सिकंदरा कौन सा सिकंदरा, तो सिकंदरा जो आगरा के निकट है वो सिकंदरा, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है। उसके बाद आया जहांगीर, ये जहांगीर, जहांगीर का मकबरा कहाँ बना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, तो इसका बना है शहादरा में, शहादरा, और कौन सा शाहदरा, लाहौर वाला, जो लाहौर के अंदर शाहदरा, एक दिल्ली में भी शाहदरा है बच्चों, लेकिन ये लाहौर वाला शाहदरा। तो आंसर क्या जाएगा, जहांगीर की कब्र कहां बनी है, कहां बनी है, लाहौर में, और प्रॉपर जगह कौन सा है, शाहदरा। उसके बाद में यहां लिखूं नीचे ना, उसके बाद जहांगीर के बाद कौन सा आया, शाहजहां, तो शाहजहां को कहां दफनाया गया, उसकी बीवी के पास, उसकी बीवी कहां, यानी कि ताजमहल आगरा, तो आगरा में भी, उसकी आगरा में है, याद रखना उसकी आगरा में कब्र है। नेक्स्ट, उसके अलावा उसके बाद में कौन आया है, तो औरंगजेब, और औरंगजेब को कहां बनाया, दफनाया गया है, औरंगाबाद, प्रॉपर मैंने आपको बताया था खुल्दाबाद, याद रखना, याद रखना, क्या लिखो, खुल्दाबाद, कहीं कहीं से खिजराबाद भी कहा गया, लेकिन ये खुल्दाबाद है, और औरंगाबाद का एक पार्ट पड़ रहा है, ठीक है, याद रखना, इसकी शॉट ले लेना, यस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हाँ, काबुल में, दिल्ली में, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों आप, लेकिन आपने ठीक ही कहा है, गलत नहीं कहा, गोपाल लोधी ने बिल्कुल ठीक किया ना, हाँ, यस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए, यस। अगला प्रश्न, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, प्रश्न यही बोल दिया बच्चों, यही एक ऐसा मकबरा है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, किसको, सारे मकबरों को नहीं, याद रखना, ये
दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है उसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया, याद रखिए। अब इसे बनाया किसने था, तो हुमायूं का मकबरा उसकी बीवी ने बनाया था बच्चों, उसकी बीवी हाजी बेगम जो ईरान की थी उसने बनाया। कहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाजी बेगम ने बनाया, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। सौरभ रॉय बिल्कुल सही लिखा भाई, आगे बढ़ते। शिवाजी ने सूरत को कब लूटा, ने कितनी बार लूटा टोटल, है ना, यानी उन्होंने उस पर अटैक किया और अपने धन क्या शासन को चलाने के लिए हथियारों की जो है प्रबंधन करने के लिए उन्होंने सूरत के ऊपर जो अटैक किया और वहां से उसने लूट की। कितनी बार की बच्चों, तीन बार की उन्होंने, याद रखना, टोटल तीन बार, ट्वाइस, दी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है। अब कब कब की बात है वो एक बार मैं साथ में बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न, क्योंकि आज प्रश्न बहुत ज्यादा है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री रेवेन्यू टैक्स जिसने 10 साल पद्धति लाई, 10 साल पद्धति उसी ने लाई थी अकबर के समय, कौन है वह व्यक्ति, यस उसका नाम बताना है बच्चों, धमाका लगा दो, यस कल आपने धमाका इतना लगाया मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, 422 जो है आपके लाइक मार दिया आपने, मुझे तो भी, मैंने तो कहा था 200 बच्चों, 200 बहुत हो गया, ज्यादा लालच नहीं करूंगा मैं भी, लेकिन पता नहीं को क्या तूफान पता नहीं कहां से मचा, मुझे समझ में नहीं आई। चलिए, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन सा था, टोडरमल, बी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, टोडरमल, याद रखना। पहले या अकबर से पहले बच्चों शेर शाह सूरी के शासन काल में भी काम कर चुका था टोडरमल, याद रखना, यस। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कौन सा है, देखो, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, यह एक जगह थी, उस जगह का नाम याद रखना है और फिर बाद में कंट्री का नाम आप बता ही दोगे, एक जगह उसका नाम है। एक और बात याद रखनी है वो भी यह है, एक और बात याद रखनी है, एक और बात याद रखनी है, एक बात और याद रखनी है, बस ये इसे प्रश्न संबंधित है। इब्न बतूता पहन के जूता है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक ठीक ठीक, यादव साहब ने भी ठीक दिया है ना, हाँ। इब्न बतूता जो आया था वह मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है और उसकी कैपिटल, बच्चे ने आंसर दे दिया रबात, ठीक, और प्रॉपर जिस जगह का वो रहने वाला था उस शहर का नाम है बच्चों टेंजियर, टेंजियर बिल्कुल टर्मिनल पर आया है, जिब्राल्टर जल संधि आ जाती फिर ऊपर जाने पर, जिब्राल्टर स्ट्रीट आती, और उस वो आया भारत में और किसके दरबार में आया, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना, ठीक है। और उसने फिर बाद में जो है उसने क्या एक डिसीजन, उसे तो दिल्ली का जो है बहुत विद्वान था वह, इसलिए दिल्ली का काजी उसे बना दिया, लेकिन उसका डिसीजन जो था बड़ा स्पष्ट डिसीजन था और इस डिसीजन से जो है नाराज हो गया कौन, खुद मोहम्मद बिन तुगलक, और उसे जो जेल में डलवा दिया। फिर बाद में उसे समझ में आई कि नहीं बात तो भी सही की थी, इसने गलत तो नहीं कहा था, तो फिर क्या क्या, फिर जो है इसे जो है चाइना के अंदर राजदूत बना के भेजा, और फिर जब वापिस आया तो कुछ समय वापिस दरबार में रहा, लेकिन इसकी और इसकी जो बनी नहीं तो वह वापिस चला गया टेंजियर, और वहां जाते जाने के बाद उसने किताब लिखी जिसका नाम है रेहला, याद रखना, रेहला उसकी इंपोर्टेंट बुक्स हैं, यस याद रखना। हाँ, इसी के पास है, जस्ट नॉर्थ में पड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, है ना, मोरक्को, और मोरक्को का टेंजियर पड़ता है और ऊपर ऊपर जो है वह स्पेन आ जाता है ना, उसके बीच में भूमध्य सागर में आने का रास्ता वो, चलिए याद रखना बात को, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था, किताबुले हिंद बच्चों ने लिखी इसने, कोई कह रहे हैं कुंदन कुमार जी बोल रहे हैं किताबुले हिंद लिखी, नहीं बच्चों, किताबुले हिंद किसने लिखी है, वह तो लिखी है अल बरूनी ने बच्चों, जो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ आया था ना, हाँ याद रखना, वो अलग बात थी, यस आगे बढ़िए। हाँ, एशिया के लिए एंट्री गेट कह सकते हैं बच्चों ना, लाकर हालांकि अभी तो एशिया में आया कहाँ गया, वह तो बहुत दूर है, लेकिन कह सकते हैं ना, रास्ता तो है ही वो, उसे कहते हैं की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं जिब्राल्टर को। चलो आगे बढ़ते,
यह कौन है? यह मैंने आपको कहा था मालवा के खिलजी के ऊपर विजय पाने के उपलक्ष में जो है महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। न याद रखना कौन है? महाराणा कुंभा, राणा कुंभा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। यस, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? हाँ बच्चों, कुछ कह रहे हैं कि आज एयरफोर्स डे है, मैंने उसकी शुभकामनाएं पहले दे दी। याद, कुछ बच्चे शायद बाद में आए हैं। चलिए आगे बढ़ते। विश्व विख्यात कोहिनूर का हीरा कहाँ की खानों से निकाला गया था? तो बच्चों साउथ इंडिया से निकाला गया था। आज मैं यहाँ एक कहानी कहूंगा, उस कहानी का नाम क्या है? कोहिनूर हीरे की कहानी। नाम लिखो ना, कोहिनूर, कोहिनूर हीरे की कहानी। कोहिनूर हीरा कहां से आया, कहां गया, किस तरह से फैला, लंबी चौड़ी कहानी है ना, तो इसको ध्यान से सुनना या सुना, क्योंकि यह हिस्ट्री के अंदर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो देखना, मैं जैसे कह रहा हूं वो सुनना आराम से ना, बाद में लिख भी लेना कोई बात। तो पहले यह कहां से निकाला गया था इसका आंसर दे दूं मैं। तो यह निकाला गया था बच्चों गोलकुंडा की खान। गोलकुंडा कहां पड़ता है? गोलकुंडा पड़ता है बच्चों तेलंगाना में। कहां पड़ता है? तेलंगाना। ठीक है, याद रखना। अब वहां से निकाला गया था, जब यह निकाला गया गोलकुंडा की खानों से बच्चों, तो वह वहां का साम्राज्य, गोलकुंडा का शासन था। वहां के लोग जो थे वह हम कह सकते वो काकतीय वंश के राजा थे। और फिर याद रखना, फिर जो है मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, और उसको हालांकि उसने खरीदा था 1000 दीनार देकर, गुजरात पर अटैक किया तब उसे वहां खरीदा था, इसलिए उसको नाम दिया गया। वो लोग बोलते थे, चिढ़ाते थे, 1000 दीनारी हिंजड़ा था एक वो, लेकिन मलिक काफूर बाद में नाम दिया। किसको? मलिक का मतलब एक बहुत बड़ा जमींदार, बहुत बड़ा रुतबे वाला व्यक्ति, ऐसा होता है मलिक का अर्थ। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिया था क्या यह टाइटल, और वह उनका सेनापति था, और लड़ता लड़ता वह साउथ इंडिया तक गया, और वहां पर उसने काकतियों को, देवगिरी के यादवों को, काकतियों वंश को, और होयसलों को, और मदुरे के पांड्या तक पहुंचा वो। और उसी दौरान जब अटैक किया उसने, तो काकतीय वंश, काकतीय का रुद्रमा देवी, अगर किसी ने फिल्म देखी हो तो वह काकतीय वंश की एक रानी थी, है ना, वह एक किंग बनी थी वहां। अब हम कहते हैं कि वहां एक राजा था, रामचंद्र देव, क्या नाम था? रामचंद्र देव, काकतीय वंश का राजा था। तो उसके ऊपर जब अटैक किया मलिक कपूर ने, तो वह खुद की सोने की मूर्ति जंजीरों में बंधी उसके सामने ले आया कि मैं देखो इस तरह से जो आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूं, और उसी ने वो गोलकुंडा की खानों से निकला हुआ कोहिनूर का हीरा जो है उसे दिया। अब फिर वह कहां से आया? वह मलिक कपूर लेके आया और अलाउद्दीन खिलजी को दिया। वह अलाउद्दीन खिलजी के बाद में यह जो है उनके सक्सेसर, यानी कि तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोदी आए, लोदियों के पास में के काल की बात कर रहे हैं। फिर बाद में बच्चों वह लोदियों के समय की बात की जाए तो एक राजा था, कौन था? ग्वालियर का एक राजा था, उस राजपूत राजा के घरानों में वह था। फिर बाद में जो है इब्राहिम लोदी को जब मार दिया गया तो जो राजा था वह भी उसका साथ दे रहा था। अब लंबी चौड़ी कहानी है, लंबी जाएगी। अब उसने हुमायूं ने फिर बाद में वह जो उससे जो ले लिया, और हुमायूं ने देखे फिर जो है बाबर को दिया, और बाबर ने वापस उसे दिया। इब्राहिम लोदी खत्म हो गया, मुगलों के पास आ गया। अब वह हुमायूं के पास, और हुमायूं के बाद में वह पीछे जा और उसके सक्सेसर के पास आया, और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचते हैं कहां तक आया वह? शाहजहां के पास आया। शाहजहां ने उसे एक मयूरासन बनाया, मोर का आसन, तख्ते तौस कहते थे उसकी जो है उसके अंदर जड़वाया वो उसे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? फिर बाद में फिर वह चला गया किसके बाद में? उन्हीं सक्सेसर के बाद में, और मोहम्मद शाह रंगीला के पास, और मोहम्मद शाह रंगीला भी उसी के अंदर लगा हुआ है और बैठता था। फिर नादिर शाह आया और वह उसे लूट के ले गया। उसके बाद वह गया अहमद शाह अब्दाली के पास, फिर गया शाह सूजा के पास, और फिर बाद में आया वह महाराणा रणजीत सिंह के पास, और फिर बाद में उसका सबसे छोटा बेटा दिलीप सिंह के पास, और दिलीप सिंह से फिर वह अंग्रेज लोग ले गए कहां? ब्रिटेन। और वहां जाके भी उसके दो टुकड़े कर दिए, एक तो महारानी के ताज में जड़ दिया, और एक आधा टुकड़ा म्यूजियम में रख दिया। यह लंबी चौड़ी कहानी है किसकी? कोहिनूर के हीरे की। हिस्ट्री में बहुत लंबी चौड़ी चलती है बच्चों ये, ठीक है, फराटेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऊपर से जाती रही, पोंपू बजते रहे, ठीक है, हाँ हवाई जहाज उड़ता रहा। आ जाइए आगे, अगला प्रश्न। सिख धर्म, यस आपका दिन आज। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक, समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिपीट करके देखना है ना, हाँ फिर लिख देना। यस, पवित्र धर्म, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक क्या है? गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, याद रखना, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया बच्चों कि, अगर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है प्रश्न, कि गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि किसने लाई है, तो गुरु अंगद देव ने लाई, याद रखना। गुरुमुखी लिपि जो है वह गुरु अंगद देव ने लाई है, बिल्कुल उसी में लिखा गया क्या, गुरु ग्रंथ साहिब, वही तो पंजाबी भाषा कोई लिखने का तरीका है, लिपि है वो, स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया और किसने नष्ट किया, प्रश्न पूछा गया, नष्ट किसने किया, बिल्कुल है ना, बनाने वाला कौन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था बच्चों कुमार गुप्त, गुप्त वंश का एक राजा था, और इसको नष्ट करने वाला मुस्लिम जो है, आक्रमणकारी जो था, मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था वह, तो मुस्लिम आक्रमणकारी तो वह था मोहम्मद गोरी का एक सेना नायक, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक इधर की ओर है, यालदोज एक और तरह है, कुबाचा एक और तरह है, यानी कि, और चौथा जो था वह था बख्तियार खिलजी, यानी उसके चार सेना नायक थे, चार सेना नायक थे किसके, गोरी के, एक तो था यालदोज, एक कुबाचा, एक का नाम क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक कौन है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी लिखा है या मोहम्मद बिन खिलजी, यही है सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। वो गया कहां, बिहार की ओर, बंगाल की ओर आक्रमण करने के लिए, और उस विश्व नालंदा विश्वविद्यालय को उसने आग लगा दी। बोल बच्चों, लोग कहते हैं कि 6 महीने तक आग जलती रही, धुआं 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 होता गया, इतनी सारी किताबें पढ़ी थी वहां, और सब उसने तुड़वा दिया, नष्ट करवा दिया, पूरी संस्कृति को ही खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आज भी उसके अवशेष मिलते हैं, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देखो 22, यस 22 वा प्रश्न है, क्या बोलता है बच्चों, आंसर देना, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, नींव पड़ी में बहुत बड़ा राज है बच्चों, याद रखना, नींव पड़ने में बड़ा राज है, नींव यानी कि फाउंडेशन की बात की जा रही है, उससे भी ज्यादा बड़ा है कि किसका पूछा है उसने, मुगल एम्पायर का पूछा है कि अंग्रेजों का पूछा है, ये भी याद रखना है, ठीक, हाँ कोई ना कोई बच्चे ने गलती की और फिर की ना, हाँ हाँ मुझे पता था कोई ना कोई तो गिरा अंदर, ना उदय प्रताप यादव जी, यस गिर गए आप, ना मैंने ये खड्डा, ये बता करके खड्डा खोद दिया ना, और रियल में उसमें गिर गए, मुझे पता था कोई ना कोई तो गिरेगा ना, चलिए देखो समझो, यस और कोई कोई लंबा छोड़ा गिर गया, देखो अब इसको समझना है सभी युद्ध को। सबसे पहली बात है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी कब हुआ बच्चों, 1757 में, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, और क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों का एक क्या है गवर्नर है वो उस समय पीरियड में। अब उसके समय की बात है, तो यहाँ किसकी नींव पड़ी है, यहाँ तो अंग्रेजों ही साम्राज्य की नींव पड़ी है, याद रखना, बंगाल को जीत लिया। अब ये क्या है बैटल ऑफ तालीकोटा, यह जो कब हुआ है, तो यह हुआ 1565, मैंने लिखवा रखा आपको, और यहाँ विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया, बहमनी साम्राज्य वाले पार्ट जो उसे उसने उसे हरा दिया, ठीक। उसके बाद है बैटल किसकी है, पानीपत की, पानीपत की पहली बैटल लिखा है उसने, यानी 1526, और 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है कौन, बाबर, और नींव रखता है मुगल साम्राज्य की, यही तो प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव यहां रखी गई है बच्चों। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है 1576, और यह महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मान सिंह के बीच में हो रही है, यहाँ किसी की नींव नहीं पड़ रही है, यहाँ महाराणा प्रताप का शौर्य देखा जा रहा है वहां,
कि अधीनता स्वीकार नहीं की उसने, ना महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, किसकी, अकबर की नहीं स्वीकारी। हालांकि वह युद्ध में घायल हो गए और फिर जो है वह चेतक उनको जो है एक नाला पार करके ले गया, फिर बाद में दिवेर की लड़ाई लड़ी बाद में ना, आगे बढ़ता याद रखना। तो आंसर क्या था, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके हाँ 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 जय राजपुताना, क्या बात है, वेरी नाइस कृष्णा, ओ कृष्णा, आगे बढ़ो भैया ना। मुगल की राजभाषा क्या थी, मुगलों की राजभाषा, देखना यहां यहां भी कोई फंसेगा ना, मत फंसना। अरे आशीष कुमार क्या लिख दिया आपने, आपने क्या लिख दिया है, 1526 ना, ना लिख के 1556 कर दिया बच्चों ना। आगे देखो, मुगल काल की भाषा क्या थी, मुगल काल की भाषा थी फारसी, राजकीय भाषा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। यस बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। कोई और भी कहीं घोटाला कर गया, क्या करें बताओ, कोई अरबी भी लिख रहा है जब। हाँ आगे देखो, वह कौन सी भाषा थी जिसे मध्य युग के दौरान, मिडिल एज के अंदर, शिविर भाषा या कैंप लैंग्वेज के रूप में बोला जाता था। यस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ नजर रहती है बच्चों मेरी ना, हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है ना। आगे बढ़िए, वह कौन सी भाषा थी जिसे मध्य युग के दौरान शिविर भाषा, शिविर का मतलब छोटे से एरिया में यदा कदा बोली जाने वाली भाषा, और वह थी उर्दू। उस समय उर्दू का चलन होना शुरू हुआ था, याद, उर्दू कहां लिखा है बच्चों, उर्दू, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके यहाँ कैंप का मतलब छोटा सा एरिया, कभी कभी लगेंगे तो कभी लोग जब मिलते थे तो अपने अपने लोकल लैंग्वेज की तरह थी, किसी की कोडिंग भाषा होती ना उसी तरह से चलती थी वह। आगे अगला प्रश्न, बहुत अच्छा शानदार क्या लिखा है, कोणार्क में सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर, बिल्कुल उड़ीसा में पड़ता है कोणार्क, और वहां है सूर्य का मंदिर, सन टेंपल, इंडिया का सबसे बड़ा सन टेंपल है वो किसने बनाया है बच्चों, तो उस राजा का नाम है नरसिंह फर्स्ट, याद रखना। यस आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके सामने, अब आगे हम इतिहास से, इतिहास पूरा हो गया और आगे हम साइंस में, चलिए साइंस की ओर बढ़ते हैं, और धड़ाधड़ बच्चों देखे लाइक लगाइए ना, साइंस हिस्ट्री पूरा हुआ है यहाँ, लाइक शुरू करिए फिर आंसर शुरू करवाता हूं मैं आपके, धड़ाधड़ उड़ाइए देखे ना, 200 तो पहुंचा दो। यस फिर आगे बढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है, ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक किससे, सिद्धांत से काम करते हैं, वो कौन सा सिद्धांत है बच्चों, तो वह कौन सा सिद्धांत है, हाँ वह है पास्कल का सिद्धांत। कहां लिखा है पास्कल का सिद्धांत बच्चों, यह रहा पास्कल का सिद्धांत, डी इज द करेक्ट आंसर। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत ही फनी फनी प्रश्न है ये, फनी क्यों, क्योंकि मैं भी आपको अगर जो है साबुन का बुलबुला बना दूं तो समझ में आएगा क्या होगा यह, देखो बनाओ आंसर बताओ। यस उड़ा दो, यस उड़ा दो, साबुन के बुलबुले के अंदर क्या का दबाव जो है ना, वो वायुमंडल के दबाव से अगर कम होता तो वो पिचका रहता, अब ज्यादा हो गया तो फूल गया गुब्बारे की तरह ना, जैसे व्यक्ति जो है हवा भर के थुलथुला हो जाता है वैसे, तो अंदर का प्रेशर कैसा रहा होगा, ज्यादा, मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। यस वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप तो 200 तक तो पहुंच ही गए, वेरी गुड। आगे देख लो क्या लिखा है, सामान्यतः अशुद्धियों के कारण, यानी इम्प्योरिटीज अगर किसी के अंदर मिला दी जाए किसी चीज में, वेरी गुड शाबाश, तो क्या होगा, यस तो क्या होगा, अगर इम्प्योरिटीज मिला दी जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना
वह क्या है, नहीं गलनाक का बिंदु जो है बॉइलिंग पॉइंट लिखा, क्या होगा वह, वह बढ़ जाएगा। कहां लिखा बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ कहां लिखा, ए इज द करेक्ट ना, हाँ ए इज द करेक्ट। डिक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज नहीं होगा, यस बढ़ जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पेडोलॉजी क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, पेडोलॉजी क्या है। पेडोलॉजी, पेड़ों का मतलब होता है एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा, जिसकी स्टडी करनी है तो ऐसे खोद डालेंगे और बाहर निकालेंगे और उसके लेयर्स को देखेंगे, जैसे ओरिजन, ए ओरिजन, बी ओरिजन है ना, ओ ओरिजन, डी ओरिजन, सी ओरिजन, ऐसे है ना। तो वह क्या है, वह सॉइल, तो मिट्टी के स्टडी को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी कहा जाता है, याद रखना बच्चों। आगे बढ़िए, यस अगला प्रश्न आपके सामने है, पेडोलॉजी किसको बोलेंगे बच्चों, पेडोलॉजी का मतलब क्या हुआ, पेड़, पेड़ का मतलब, एक पेड़, पेड़ का मतलब क्या है, भूमि का टुकड़ा। एक और साइंस आता है इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी का मतलब भी वही भी क्या है, वह भी सॉइल विज्ञान है, लेकिन वह डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर्मेशन का स्टडी करता है बच्चों। नेक्स्ट अगला प्रश्न 30, यस तीसवा प्रश्न क्या बोलता है देखो, यस अगला प्रश्न क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल तो हो गया। नेक्स्ट, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाना, यानी कच्चे फल हैं उनको क्या करना है, पकाना है, तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है बच्चों, तो कौन सी गैस है, या तो बोलते इथाइलीन या एसिटीन, हाँ या एसिटिलीन, इथाइलीन या एसिटिलीन, इथाइलीन एक गैसी हार्मोन से, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, यस आगे बढ़िए, यस इथाइलीन। नेक्स्ट 28वां देखें, हाँ 28वां देखें, बात बिल्कुल सही है, ब्रिजेश कश्यप का कहना सही है, मुझे भी कुछ गड़बड़ लगी है वहां, गड़बड़ लगी है बिल्कुल, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है वहां। देखो क्या बोलता है, अच्छा इम्प्योरिटीज मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों कोई भी हो ना, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसमें क्या लिख दिया, ये मेल्टिंग पॉइंट कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट कर दिया, ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं, चिंता न करें ना। यहाँ क्या करना था, यहाँ भी या तो बोलना था या मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ क्या करता है, ये गलनांक बिंदु सही है, यहाँ करना या फिर यहाँ बॉइलिंग किया तो यहाँ क्या करना, क्वथनांक करना था, लेकिन बढ़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न 31, यस क्या बोला 31 ने, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बिल्कुल हाँ भी, तो लीवर, मैंने कहा था आपको लीवर कहा था ब्रिजेश कश्यप, अच्छा देखेंगे बताऊंगा, है ना, एक मिनट पहले पूरा करने दो ना। हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है बच्चों, जिगर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है देखो, 32 क्या बोलता है देखो, ध्यान से देखो और समझते हैं। जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है, वैसे ही अंदर बैठे हुए व्यक्ति व्यक्ति क्या है, सिर होना उसका पीछे की ओर झुक जाता है, जैसे स्टार्ट होगी तो क्या होगा, धक्का लगेगा पीछे की ओर, ऐसा क्यों होता है, जड़त्व के कारण होता है, यानी इनर्शिया, कहां बच्चों इनर्शिया, कौन सी इनर्शिया थी वह, रेस्ट वाली, ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोलता है देखो, अगला प्रश्न बोलता है बच्चों, नींबू इनमें से किसके कारण खट्टा होता है, आंसर देना है, बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, जल्दी से दीजिए बच्चों, ठीक है हाँ। आगे देखें, नींबू किसके कारण खट्टा होता है, जल्दी से, यस सिट्रिक एसिड, डी इज द करेक्ट आंसर, सभी जनों का सिट्रिक एसिड आ रहा है, किसी का कोई और भी एसिड आया है, उल्टे पुल्टे एसिड ना निकाला करें बच्चों, यस सिट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, ओके यहाँ
आगे चलते। निम्न गैसों में से एक जो बायोगैस और संयंत्र से निकलती है ईंधन के गैस के प्रयोग में किया जाता है। बायोगैस से ऐसी कौन सी गैस निकलती है बच्चों जिसे हम ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में यूज करते हैं बच्चों? ठीक बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। बिल्कुल सही कहा, मीथेन। मीथेन जो है, मैंने कल शाम की इवनिंग के क्लास के अंदर भी इसको डिटेल से समझाया था मैंने आपको, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, उनके कितना कितना परसेंटेज है वो भी बताए थे। आगे बढ़िए। यस, अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से क्या आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित किया जाता है? कितनी बड़ी बात है, आंतों के अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो क्या संश्लेषित करता है? यस, वेरी गुड बच्चों, लाइक करते जाइए। यस, आज धमाका करोगे आप मुझे लगता है। आंतों का बैक्टीरिया जो है वह बनाता है, उसका नाम क्या बता, बैक्टीरिया है बच्चों, क्या नाम है उसका बताओ? उसका नाम है इचिरिकिया कोलाई, ई कोली, इचिरिकिया कोलाई। और वह क्या करता है बच्चों? वह करता है सिंथेसिस विटामिन के का, जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर मदद करता है। वेरी गुड बच्चों, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। गोपाल जी गड़बड़ कर गए। यस, बाकी सबका सही चल रहा है, झकास एक और बंदा, गोपाल जी की गड़बड़ है गाड़ी। यस, बाकी सही चल रहा है विटामिन के। यस, अगला प्रश्न आपके सामने, देखो क्या बच्चों, अगला प्रश्न क्या बच्चों, देखो अगला प्रश्न है, मूत्रालय जो होते हैं यानी कि हम कहते हैं कि यूरिनल्स जो होते हैं उनके आसपास में एक बदबू आती है या तीखी गंध आती है, वो तीखी गंध किसके कारण है? वेरी कुलदीप तिवारी, वारे वाह क्या बात है, प्रश्न बोलने से पहले आंसर आ गया, क्या बात है, शाबाश, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दे दिए बच्चे, आज उड़ा के रहेंगे बच्चे ना, हाँ आज रिकॉर्ड तोड़ेंगे खुद का भी और मेरा भी, देखना। अमोनिया होती है बच्चों वो गैस, अमोनिया गैस। यूरिया तो बच्चों यूरिन में आता है, लेकिन यूरिया होता है ना वह तो जम जाता है बच्चों वहां, तो आपने देखा होगा कि जो मूत्रालय होते हैं वहां पर एक व्हाइट व्हाइट परत जमती रहती है, वो यूरिया की जमी है, लेकिन जो बदबू आती है ना वह अमोनिया की है, याद रखना, सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यस, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, आज आपके 45 पैसे प्रश्न कितने सही होंगे मैं देखूंगा, और लाइक भी कितने होते हैं, दोनों का रिकॉर्ड टूटना चाहिए आज, तब मैं मानूंगा कि रियल में कुछ किया आज आपने। विमान से यात्रा जब करते हैं तो स्याही वाले पेन की स्याही बाहर आनी शुरू हो जाती है, बात सही है, स्याही वाला पेन है ना तो उसकी स्याही बाहर आने लगेगी, ऐसा क्यों होता है? आंसर देना है, देखते हैं आंसर देना है, या पहले ऊपर दे दिया, ऐसा क्यों होता है बच्चों? कुछ और लगेगा आंसर, कुछ और जाएगा, मैंने पहले बोल दिया है, गड़बड़ घोटाला मत कर देना। हाँ, किसका पूछा है उसका आंसर देना, अभी तो धड़ाधड़ उड़ रहा है, गलतियां ही गलतियां हो रही है बच्चों। अरे देखो ध्यान से, उसने क्या कहा है, प्रश्न को पढ़ो। विमान से यात्रा करते के समय, इसका मतलब अब विमान से यात्रा कर रहे हैं आप बैठ के अंदर, आप भूल गए, अब क्या है, स्याही वाले पेन की बात की जा रही है, उस पेन से क्या आ रही है बाहर, स्याही आनी शुरू हो गई है, तो स्याही वाले पेन के साथ में क्या हुआ है? तो उस स्याही वाले पेन का प्रेशर जो है ना, बाहर वाले प्रेशर की अपेक्षा वो प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि हाइट में बढ़ रहे हैं, और हाइट में बढ़ रहे हैं तो प्रेशर वहां तो घट रहा है, और उसकी अपेक्षा यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आने लगी, क्या, स्याही बाहर आने लगी, यानी अंदर क्या है, हाई प्रेशर है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एयर प्रेशर, इंक्रीज नहीं हुआ है वहां, उसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है, याद रखना, बी इज द करेक्ट आंसर। मजेदार प्रश्न बच्चों ये, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, बढ़िया प्रश्न था। आगे देखिए अगला प्रश्न, चलो 38। यस, अरे उड़ा दिया बच्चों आज तो, धमाका कर दिया आप लोगों ने, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है, तो पी तो क्या है, सेम, पी कहां रहते हैं, नाभिक न्यूक्लियस में। आगे बढ़ते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट, तो उसे कैसी स्पीसीज बोलेंगे? यस, उसे कैसी, आइसोटोन। अरे गजब, अरे प्रिंस सिंह गड़बड़ घोटाला कर दिया,
हाँ पीडीएफ भिजवा दिया जाएगा। अरे बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, बड़ा टेंशन आ रहा है मुझे, क्या कर रहे हो? यस इधर, यस। प्रोटोनों की संख्या सेम कहा है उसने बच्चों, तो प्रोटोनों की संख्या पी सेम है, न्यूट्रॉनों की संख्या एन अलग अलग है बच्चों। दूसरी स्पीशीज में पी सेम एन अलग अलग, पी सेम एन अलग अलग डिफरेंट। अब देखो अगर ये सेम सेम हुआ इसका मतलब तो एटम तो वही है, एलिमेंट तो वही है, सिर्फ ये चेंज हो रहे हैं। और जब ये सेम होते हैं और ये चेंज होते हैं बच्चों, तो इन दोनों को जोड़ोगे ना वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा, होगा ही। तो जब पी सेम हो यानी कि जेड तो सेम हो और ए डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। अरे आप कह रहे हैं संदीप कुमार जी, आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन आपका प्रश्न समझने का तरीका ही पता नहीं, अलग रहता है। एटमोस्फियरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बात सही काम, लेकिन वो स्याही बार क्यों आई है वो पूछ रहा है। स्याही बार इसलिए आई है कि स्याही में प्रेशर वहां ज्यादा हो गया है इसलिए बाहर आई है। प्रश्न तो समझा ही नहीं आपने, बिल्कुल आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, एटमोस्फियरिक प्रेशर डाउन होता है, डिक्रीज होता है, सही है, लेकिन प्रश्न पूछा क्या है वो नहीं समझा आपने बच्चों, है ना। बच्चों आप कुछ गलती कर बैठते हैं, समझने में तो गड़बड़ हो जाती है। क्या होगा? आइसोटॉप्स। आगे बढ़ते हैं, यानी कि समस्थानिक। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। संदीप कुमार जी प्रश्न पढ़े, क्योंकि आप जब चार पांच छह जने जब बोलते हैं ना कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो मुझे विचार आ रहा है कि क्या रियल में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अब वापिस देख के करें। नहीं कोई बात नहीं, होता है बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं, गलती होती तो कहना ही है ना, कोई चिंता नहीं है ना, लेकिन बात बिल्कुल वो सही है, वापिस देखना इसको, या मैं भी देखूंगा। आगे, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव तो बच्चों कॉसरवेट्स है। क्या है? कॉसरवेट्स। लेकिन कॉसरवेट्स जो यहाँ कहीं नहीं दिया है, और उसके बाद की बात करें अब इनमें से दिया वो कौन है, तो वो है बच्चों कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी सही है, ठीक है। अरे बच्चों आइसोटॉप समस्थानिक भी आप भूल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा बताओ बच्चों ना। तो वह है ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, जो मोनेरा में आता है। अरे ये मोनेरा का भाग है, यह प्रोटिस्टा की बात है, यह फंजाई की बात है, और यह भी प्रोटिस्टा की बात है। तो इसमें सबसे पहले कौन आए? मोनेरा आए, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, यस ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 40वां, बताओ आंसर बच्चों। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। ना हाँ, क्या लिखा है? गैसीय रूप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? गैसीय रूप में हार्मोन एक ही है, प्लांट हार्मोन एक ही है, एक ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, और वह है इथाइलीन, जो कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। कहाँ है? इथाइलीन। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके हाँ, अरे कोई ऑक्सीन भी लिख रहा है बच्चों, अब मेरी क्या गलती बताओ ना। हाँ ऑक्सीन आप लिखोगे मैं क्या कहूँ आपको ना, नहीं है, मैं बस इतना ही, नहीं भाई नहीं, ऑक्सीन नहीं है गैसीय हार्मोन, ऐसे कह सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं कर सकता ना, मुझे पता है कि मैं रोज करूंगा, पीटूंगा मारूंगा, मुझे पता है जोर करके क्या मतलब, जो आप तक तो पहुंच ही नहीं सकता मैं। आइए, कौन सा हार्मोन लड़ाई या उड़ान अवधारणा से जुड़ा हुआ? बहुत, फाइट और फाइट, फियर फाइट और फ्लाइट, इसे थ्री थ्री एफ भी बोलते हैं बच्चों, इसी हार्मोन को, लड़ो उड़ो या भागो, है ना। हाँ भय पैदा कर होता है ना भय, तब वह ज्यादा सीक्रेट होता है बच्चों। देखा जाए क्या है वह, वह है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन बी इज द करेक्ट आंसर, और यह कहां से निकलता है? एड्रिनलिन ग्लैंड से, उसे अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं बच्चों, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, यस। अच्छा ऑक्सीन क्या है फिर? तो बच्चों या तो फिर मुझे पूरा का पूरा पढ़ाना पड़ेगा। ऑक्सीन होता है ना, वह प्लांट कोई बढ़ रहा है तो उसके टॉप पर होता है, यानी एपिकल डोमिनेंसी को वो बढ़ाता है, यानी कि हाइट, ऊपर की हाइट बढ़ाने में वो मदद करता है। किसी की और झुकाना है इधर, या जो है
बंद कमरे में है, एक जो है लगी हुई है क्या बोलते हैं खिड़की है, और जो अंधेरे कमरे में रखा है हमने, तो वह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। कौन? प्लांट। वो अपोजिट साइड में ऑक्सीजन वहां होता है ज्यादा, इसलिए होता है। यानी कि शीर्ष प्रभाविता बोलते हैं, वो अलग बात है बच्चों, हार्मोन पढ़ाना पड़ेगा मुझे तब समझोगे। बी सही हो गया। यस, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करिए। यस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आंसर दीजिए फटाक से, मैं देखता जा रहा हूं। यस, 37वां, अभी तक किसी को समझ में नहीं आया 37वां, बच्चों अभी इतना पीछे कैसे जाएं, चलिए आता जाएगा ना, नहीं तो ग्रुप बना हुआ है अपना, उसके अंदर भी प्रश्न जो समझ में नहीं आए वो जरूर कहें ना, वापिस कैसे जाए 37वां बच्चों, संभव नहीं है। मानव हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहां होता है? बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी आ गया बच्चों, देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया है, और कोई अभी पता नहीं कहां अटके पड़े हैं। अरे पैनक्रियाज, हजार बार बताया मैंने बच्चों, और इवनिंग की क्लास में तो पूरा डायग्राम बना के बताया आपको, नहीं कहा मैंने पैनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय की बीटा लैंगर हैंस आइलैंड्स, लैंगर हैंस आइलैंड्स जो होते हैं उसके अंदर होती है बीटा सेल्स, और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन की कमी हो जाए तो हो जाता है शुगर, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। यस, अगला प्रश्न, जाते जाते तालियां बजाते जाए इस प्रश्न के बारे में, यहां भी लड़के गलतियां करेंगे लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो अभी 100% गलती करते, वो 100% गलती करते लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने वैसा। प्रश्न ये है बच्चों, हाँ, कि किस वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मी तत्व, अब तत्व आते ही हिलना पड़ता है तत्व, क्यों? अगर रेडियो धर्मिता की खोज किसने की ऐसा होता ना तब तो जाता है हेनरी बेकुरल, लेकिन रेडियो धर्मी तत्व का मतलब पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम किसने खोजा है ये पूछा है, रेडियम खोजने वाली एक लेडी है मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। जो तो अच्छा हुआ कि मैंने वो ऑप्शन नहीं डाला, नहीं तो उल्टे पड़ते यहां, ठीक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 250 के पार, यस 250 के पार बच्चों, देखो क्या है, सिरका को रासायनिक रूप से जाना जाता है, क्या बोलते हैं सिरका, सिरका को बोलते हैं बच्चों एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, यस ये एसिटिक एसिड, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। और ये लास्ट प्रश्न है बच्चों ना, हाँ, और फिर हम फैक्ट्स पढ़ेंगे, ये लास्ट प्रश्न है, आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, और देखे लाइक कितने जाए मैं देखना चाहता हूँ ये ना, हाँ, देखो मानव शरीर में विटामिन ए कहां संग्रहित होता है बच्चों, तो इनमें से निकालना है कहां स्टोर होता है, तो ए होता है लीवर में, ए ए में होता है बच्चों, ए ए में होता है, लीवर में होता है, याद रखना ना, हाँ लीवर में। यस, हो गया बच्चों 200-250 पार हो गए, थैंक यू वेरी नाइस, बस इतना ही काफी है ना, आगे बढ़ते हैं, धमाका यहां होगा, आइए उड़ाते हैं इसको जबरदस्त। ओके, लीवर, यस, प्रेम किशोर राठौड़, बहुत सही, आगे देखते हैं क्या लिखा है। विश्व में प्रथम कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, बिल्कुल सही ना। दूसरा, पाकिस्तान के पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी, यह कहां से है बच्चों, यह न्यूजीलैंड से, और यह नेपाल का गोरखा है। आगे बढ़ते, उत्तरी ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, यह तो बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, एमंड सेन, और उसी के नाम से वहां एमंड सेन एक अपने एक पेनिनसुला का भी नाम रखा गया एमंड सेन, ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे परमाणु बम को विनष्ट किया गया कहां, पहला कौन सा नगर था, तो 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा को लिटल बॉम्ब गिराया गया, फिर बाद में दूसरा नागासाकी पर 9 अगस्त को फैट मैन गिरवाया गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। वायु यान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति थे राइट बंधु, राइट बंधु शायद बात बच्चों 13 की है ये ना, हाँ शायद 1913 के आसपास की बात, यह कौन है राइट बंधु, कहां के हैं याद ये रखना है,
राइट बंधुओं ने हवाई जहाज की खोज करने का काम किया, कहां से? या यूएसए से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पूरी दुनिया के चारों ओर समुद्र की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति, इवनिंग की क्लास में मैंने पूरा बताया था कौन है, यह फर्डिनेंड मैगेलन, जहाज सेलर था वो, नाम से यात्रा की, यानी समुद्री लिखा, इसका मतलब नावी बात ना। नेक्स्ट, चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था मार्को पोलो, जो इटली के वेनिस नगर का रहने वाला था, इटली के वेनिस नगर का, यस। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन लिखा है, बच्चों गड़बड़ मत कर देना, यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन तो पहला कौन है, सिकंदर, जो मैसिडोनियन आक्रमणकारी था, ग्रीस, यूनानी था वह, यूरोपियन लिखा है यूनान यूरोप से। अगर ऐसा प्रश्न आता कि भारत पर पहला आक्रमण करने वाला कौन था, तो वह था पहला ईरानी आक्रमणकारी था, हक्का मनी वंश का राजा था, शाह डारायस या डेरियस प्रथम, यस, वो उसके बाद आया सिकंदर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, शस्त्र त्याग करके अहिंसा अपनाने वाला दुनिया का पहला सम्राट, 261 के अंदर जो कलिंग का युद्ध किया 261 BC, वो अशोक, उसने वो पहला बार जो है शस्त्र त्यागे, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी पूरी सेना को ही काम में लगा दिया, लड़ने नहीं, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, इसीलिए पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म इतना बड़ा फैलाया अशोक के समय, और शिलालेख खुदवाए, देखो जगह जगह इंस्क्रिप्शन खुदवाए उसने, अशोक था। ठीक है बच्चों, आज की क्लास कैसी रही? बहुत बढ़िया। कल मैंने आप लोगों के बारे में वो भी सारी चीजें पढ़ी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन जो है स्टूडेंट है, बहुत खुशी हुई, क्या बात की जाए कि पूरा हिंदुस्तान जो है झलक रहा है, मिनी इंडिया बना हुआ है। मुझे इस जो है इस हॉल के अंदर ऐसा महसूस होता है कि यह हॉल देहरादून नहीं है, यही इंडिया है। आप लोग जो है दूर दूर बैठे फिर भी मेरे बिल्कुल करीब हैं, दिल के करीब हैं, और आप जो दिखते रहते हैं आपके कमेंट्स पर पढ़ के, आपके लाइक वगैरह देख करके, समझ के, आपको पहचानने में, आपको समझने में बहुत मदद मिल रही है, और बहुत आनंद आ रहा है बच्चों आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही यह जरूर बताना। और अच्छा, वो किसी का प्रश्न था, वो मैं आपको, सर आने वाले हैं जस्ट, इसलिए वापिस देखूंगा, ऐसा कोई बात नहीं होगी तो चिंता ना करें, बाकी आप भी गौर करना उसके ऊपर। ओके, जय हिंद, जय भारत।